14 कलाएं श्री राम को 16 में से 14 कलाएं ज्ञात थी। ये चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। 16 गुणों से युक्त श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। 1. गुणवान, योग्य और कुशल। 2. किसी की निंदा न करने वाला, प्रशंसक, सकारात्मक। 3. धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञान रखने वाला। 4. कृतज्ञ, आभारी या आभार जताने वाला, विनम्रता। 5. सत्य, सत्य बोलने वाला और सच्चा। 6. दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, दृढ़ निश्चय। 7. सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाला, आदर्श चरित्र। 8. सभी प्राणियों का रक्षक, सहयोगी। 9. विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील। 10. सामर्थ्यशाली, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला, समर्थवान। 11. प्रियदर्शन, सुंदर मुख वाला। 12. मन पर अधिकार रखने वाला, जितेंद्रिय। 13. क्रोध जीतने वाला, शांत और सहज। 14. कांतिमान, चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व। 15. वीर्यवान, स्वस्थय, संयमी और हष्ट पुष्ट। और 16. युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे, वीर, साहसी, धनुर्धारी, असत्य का विरोधी। श्री राम ने किस आयु में किया कौन सा काम, कहते हैं कि सीता और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 15 साल थी, जबकि सीता जी की मात्र 6 साल की थी। शादी के बाद दोनों 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद करीब 27 की उम्र में श्री राम को वनवास हो गया था। वह में 14 वर्ष रहने के बाद जब श्री राम और सीता लौटे, तब सीता जी की आयु 32 और राम जी की उम्र 41 हो गई थी। श्री राम का असली नाम, श्री राम का जन्म नाम दशरथ राघव रखा गया था, परंतु बाद में नामकरण संस्कार के समय उनका राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। गिलहरी की कहानी। राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी भी छोटे छोटे कंकर पत्थर उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में फेंक रही थी। ये देखकर वानर सेना ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा। एक वानर ने तो एक गिलहरी की पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल किया, जो सीधे श्री राम की हाथों की हथेलियों में जा गिरी। श्री राम ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। फिर उन्होंने वानरों को समझाया कि तुम जो बड़े पत्थर समुद्र में जमा रहे हो, वे सभी पत्थर तभी मजबूत रहेंगे जबकि इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे कंकर पत्थर उसके बीच जमे रहेंगे। इसलिए किसी के भी काम को छोटा न समझो। इसके बाद श्री राम बड़े प्रेम से गिलहरी पर अपनी अंगुलियां फेरकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं, वह श्री राम के आशीर्वाद के कारण है, क्योंकि उसने राम सेतु निर्माण में सहयोग किया था। भगवान श्री राम के जीजाजी का नाम ऋषि श्रृंगी था, जो शांता के पति थे, यानी श्री राम की बहन का नाम शांता था। ऋषि श्रृंगी को ऋषिश्रृंग भी कहा जाता था। वे बड़े विद्वान और यज्ञकर्ता थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ से उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके कारण ही दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पहला कोदंड। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था, जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीताजी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंदबुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूल मंदबुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बढ़ चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्रीराम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा।
तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि रामजी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। और कोदंड का बाण वहीं रुक गया। विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर है। अंत में बताया गया है कि सिर्फ राम नाम जपने से ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पूर्ण होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र यानी श्रीहरि के 1000 नामों और उनकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ हैं, तो मात्र एक श्लोक से ही इस पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोन्मे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्मे। अर्थ, शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम 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 इसी द्वादश अक्षर नाम का जप करो। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। ये राम नाम विष्णु जी के सहस्रनाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्रनाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्रनाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यवंशी राम। भगवान राम ने सूर्य पुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था, इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। उनके पूर्वज जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभनाथ निमिनाथ आदि थे। इसी वंश में राजा दिलीप, भागीरथ, राजा पृथु, राजा रघु आदि हुए। रघु से सभी रघुवंशी भी कहलाए। राम के बाद कुश के वंश में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए, ऐसी मान्यता है। इंद्र का रथ। मायावी रावण को हराने के लिए भगवान राम को देवराज इंद्र ने एक रथ दिया था। इसी रथ पर बैठकर भगवान राम ने रावण का वध किया था।